अस्सलाम वालेकुम। समझदार बच्चों, कैसे रहे हो? ओके ग्रेट। सो कल हम लोगों ने एट चैप्टर को इनिशिएट कर दिया था आफ्टर क्विकली डिस्कसिंग द पास्ट पेपर्स ऑफ सेवन चैप्टर। सो टुडे वी विल कंटिन्यू विद टू इंपॉर्टेंट थ्योरीज एंड द वन इज लिपिट एंड वाइट एंड द अदर वन इज ब्लेक एंड मुटॉन। हमने डिस्कस किया था कि लीडरशिप इज एन एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड इट इज नेसेसरी टू एस्टैब्लिश दैट व्हाट पर्टिकुलर स्किल्स अ मैनेजर शुड हैव टू बी अ गुड लीडर। वी टॉक्ड अबाउट इट दैट नॉट एवरी मैनेजर इज अ गुड लीडर। पर मैनेजर अच्छा लीडर नहीं होता, कुछ स्पेशल स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ स्पेशल एबिलिटीज चाहिए होती हैं। वो एबिलिटीज जो है वो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के मुताबिक डिफरेंट हैं। वन स्कूल ऑफ थॉट सेट के वो एबिलिटीज सिखाई जा सकती हैं और वन स्कूल ऑफ थॉट सेट के वो एबिलिटीज जो है वो आपके अंदर बाय बर्थ मौजूद होती हैं। सो देयर इज वन स्कूल ऑफ थॉट दैट सेज दैट द लीडरशिप कैन बी टॉट, येट देयर इज अनदर स्कूल ऑफ थॉट दैट डिबेट्स दैट लीडरशिप कैन नॉट बी टॉट, इट इज अ बेसिक इंस्टिंक्ट। ये इंस्टिंक्ट होता है और ये इंस्टिंक्ट जो है आपके अंदर ये आपकी पर्सनल क्वालिटीज की बुनियाद पर पैदा होता है। फिर एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि लीडरशिप जो है इसका बेस्ट स्टाइल होता है, क्योंकि स्टाइल थ्योरीज इसको डिफाइन करती है। और एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि जो लीडरशिप है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशन, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि मोस्ट इफेक्टिव स्टाइल कौन सा होगा। और लीडर अपना स्टाइल सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज करता है, उसका स्टाइल वेरी करता है विद एवरी सिचुएशन। तो ये तीन स्कूल ऑफ थॉट्स हैं हमारे पास, ये है थ्री स्कूल ऑफ थॉट्स। और इन तीनों स्कूल ऑफ थॉट्स को अभी अगर मैं आपके सामने ड्रॉ करूं, ओके, सो द फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट वी हैव अ सेकंड स्कूल ऑफ थॉट And then we have a third school of thought. So हमारे पास तीन school of thoughts हैं। पहला school of thought कहता है कि leadership trait के ऊपर depend करती है। First school of thought says that leadership that is a trait, ये एक trait है जिसमें trait theory आती है। दूसरा school of thought जो है वो style theories के ऊपर, it says कि leadership बेस्ट पॉसिबल स्टाइल होता है एंड लीडर्स आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द स्टाइल। और तीसरा स्कूल ऑफ थॉट जो है वो है कंटिंजेंसी थ्योरीज का। ट्रेड थ्योरीज में वी ओनली हैव वन थ्योरी, इको प्रोड्यूस हो रही है, वेट अ मिनट, होनी होनी चाहिए। सबके साथ मसला आ रहा है इको का, किसी को आवाज क्लियर है किसी को नहीं क्लियर है। मसला है, ओके, लेट मी रिजॉल्व इट। असल में मैं आ गया स्टूडियो से क्लास ले रहा हूँ, तो स्टूडियो के अंदर एक्चुअली कमरा बंद है, तो शायद इस वजह से इको होती है। वेट अ मिनट। हाँ जी, अब बताएं, अब बेहतर है? बेहतर है, ओके, चलो परफेक्ट। तो बात ये कर रहा था मैं कि तीन स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं हमारे पास। द फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट इज ट्रेड थ्योरीज, द सेकंड स्कूल ऑफ थॉट इज स्टाइल थ्योरीज, एंड द थर्ड स्कूल ऑफ थॉट इज कॉन्टिंजेंसी थ्योरीज। तो हम टोटल नौ थ्योरीज पढ़ेंगे। ट्रेड थ्योरी हमने ऑलरेडी पढ़ ली थी, स्टाइल थ्योरीज के अंदर हम जो की थ्योरीज डिस्कस करेंगे उसके अंदर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टाइल थ्योरी इज इसमें बेसिकली पांच थ्योरीज हैं स्टाइल थ्योरीज में, टोटल फाइव इन ऑल।
and we will discuss them one by one. Let me just list them down. इसमें सबसे पहली जो थ्योरी है वो है लिपिड एंड वाइट की. द वेरी फर्स्ट थ्योरी इज लिपिड एंड वाइट. लिपिड एंड वाइट की पहली थ्योरी है जो कि कुछ स्टाइल्स डिस्कस करती है रिलेशनशिप पे. दूसरी थ्योरी है इसमें ब्लेक एंड मोटॉन मैनेजरियल ग्रिड. मैनेजरियल मॉडल है इसमें ब्लेक एंड मोटॉन का. तीसरी जो थ्योरी है इसके अंदर दैट इज टेनबॉम एंड श्मिट. अभी आपको लग रहा होगा कि दवाइयों के नाम है, दवाइयों के नाम नहीं, ये लोगों के नाम. चौथा नाम है इसके अंदर एशरेज मॉडल. और पांचवा नाम है इसके अंदर रेंसिस लाइकर्ट. ये पांच स्टाइल थ्योरीज हैं हमारे पास व्हिच वी हैव टू डिस्कस एंड वी हैव टू टॉक अबाउट. दीज आर द फाइव स्टाइल थ्योरीज. और तीन थ्योरीज जो हैं वो हमारे पास है कॉन्टिंजेंसी थ्योरीज. थ्री थ्योरीज ही है और कॉन्टिंजेंसी थ्योरीज. लिपिड एंड वाइट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अभी तक लिपिड एंड वाइट पे क्वेश्चन नहीं आया और अभी तक रेमसिस लाइकर्ट पे क्वेश्चन नहीं आया. एशिड मॉडल पे आ चुका, ब्लैक एंड मोटॉन पे दो दफा आ चुका, टेनबॉम एंड श्मिट पे एक दफा आ चुका. तीन हमारे पास कॉन्टिंजेंसी थ्योरीज हैं. वी हैव थ्री थ्योरीज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ कॉन्टिंजेंसी थ्योरीज. ये कौन कौन सी है? इसमें सबसे पहले हमारे पास जो थ्योरी है दैट इज फीडलर लीडरशिप स्टाइल, जिसे हम फीडलर मॉडल भी कहते हैं, जिसे हम फीडलर मॉडल का नाम भी देते हैं. फिर है हमारे पास हर्शे एंड ब्लैंकर्ड एसएलटी. एसएलटी इज सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी. ठीक. एंड देन वी हैव आखिरी थ्योरी है इसमें चार्ल्स हैंडी बेस्ट फिट अप्रोच. ये तीन थ्योरी हैं इसमें. पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक फीडलर पे क्वेश्चन नहीं आया और अभी तक चार्ल्स हैंडी में नहीं आया, हर्शन ब्रैकेट पे क्वेश्चन आ गया. तो काफी सारे इंटरेस्टिंग थ्योरी हैं जो कि अभी तक अनटेस्टेड है पेपर में और उसके अंदर एग्जामिनर जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है रिगार्डिंग एनी थ्योरी. ठीक. तो टोटल नौ थ्योरीज हैं. ये एक बर्ड्स आई व्यू दे दिया आपको. इट इज टेलिंग यू अबाउट द नाइन थ्योरीज. तो पहली थ्योरी जो हमने कल कवर की थी वो थी ट्रेट थ्योरी. ट्रेट थ्योरी कहती है कि लीडरशिप जो है ये एक ट्रेट है और ये ट्रेट जो है ये लोगों के अंदर पाया जाता है बेस्ड ऑन देयर पर्सनैलिटी. लोगों की फिजिकल विटैलिटी, उनकी एनर्जी, उनकी इंटेलिजेंस, जजमेंट, ईगरनेस टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावरफुल नीड फॉर अचीवमेंट, ये सारे वो ट्रेट्स हैं जो लोगों में बाय बर्थ होते हैं. नाउ दैट्स अ प्रॉब्लम. These traits are not always by birth in the people. ये लोगों में हमेशा by birth नहीं होते. ये traits अक्सर लोगों में पैदा किए जाते हैं. ठीक. अच्छा, अगला मॉडल है लिपिड एंड वाइट का. लिपिड एंड वाइट ने क्या किया था अर्ली 20th सेंचुरी में, 1930s में, इन्होंने एक स्टडी की थी स्कूल चिल्ड्रन के ऊपर. What it did was, इन्होंने कहा था कि जी डिफरेंट किस्म के जो लीडरशिप स्टाइल्स हैं उस वक्त तक के जो नोन स्टाइल थे वो तीन थे. इट वॉज अथॉरिटेरियन स्टाइल, ऑटोक्रेटिक स्टाइल भी कहते थे, अथॉरिटेरियन स्टाइल भी कहते थे. इट वॉज डेमोक्रेटिक स्टाइल, इट वॉज लेसेज़फेयर स्टाइल. तो उन्होंने तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडर्स को, तीन डिफरेंट ग्रुप्स को असाइन किया. ग्रुप ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो कि आर्ट्स एंड क्राफ्ट प्रोजेक्ट कर रहे थे, मास्क मेकिंग कर रहे थे. ठीक है, कोई आर्ट की क्लास थी, उस आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोजेक्ट के अंदर तीन डिफरेंट ग्रुप्स हैं और वो ग्रुप्स जो है वो मास्क बना रहे थे, क्रिएटिव काम कर रहे थे. तो तीन डिफरेंट लीडर्स को असाइन किया. पहला जो लीडर था वो था अथॉरिटेटिव, ऑटोक्रेटिक. ऑटोक्रेटिक कहते हैं अपनी मर्जी करने वाले को, अथॉरिटी को प्रैक्टिस करने वाले को. ये लीडर जो है इसने कंटिन्यूअसली ऑर्डर दिए और इंस्ट्रक्शन दी स्टूडेंट को और इसने अपना आप इम्पोज किया स्टूडेंट्स के ऊपर. फिर अगला स्टाइल था डेमोक्रेटिक.
डेमोक्रेटिक लीडर्स जो है ये वो लीडर्स हैं जिसने खुद गाइडेंस ऑफर की, एनकरेज किया चिल्ड्रन को जो पार्टिसिपेट कर रहे थे एक्टिवली ग्रुप के अंदर, खुद एनकरेज किया। और तीसरा स्टाइल था लेसेस फेयर स्टाइल। लेसेस फेयर स्टाइल उस स्टाइल को कहते हैं जिसमें आप लीस्ट कंसर्न्ड हो जाते हैं, ऐसा स्टाइल जिसमें एक इंडिविजुअल लीस्ट कंसर्न्ड हो जाए उसे लेसेस फेयर स्टाइल कहते हैं। या बस लोगों में छोड़ देंगे, खुद ही काम करते रहेंगे, खुद ही मेहनत कर लेंगे, एंड यू आर लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट व्हाट दे आर डूइंग, हाउ आर दे डूइंग, उनका ओवरऑल काम करने का तरीका कैसा है, इसे हम लीस्ट कंसर्न कहते हैं, लेसेस फेयर कहते हैं। तो तीनों किस्म के जो स्टाइल्स थे, तीनों किस्म के ग्रुप्स ने भी डिफरेंट बिहेवियर्स शो किए, ठीक है। ये डेमोक्रेटिक लीडर वाले ग्रुप का आउटकम था, ये ऑटोक्रेटिक लीडर वाले ग्रुप का आउटकम था, और ये लेसेस फेयर वाले लीडर के ग्रुप वाला आउटकम था। और फिर इन तीनों के आउटकम्स को कंपेयर करते हुए लिपिट एंड वाइट ने कंक्लूड किया कि इन तीनों में से कौन सा स्टाइल बेस्ट है। तो दैट्स व्हाई इट्स अ स्टाइल थ्योरी, दैट्स व्हाई इट इज अ स्टाइल थ्योरी कि हम किसी एक स्टाइल को बेस्ट कहेंगे। ये स्टाइल थ्योरी इसलिए कहलाती है दैट बिकॉज वी विल कॉल वन ऑफ द स्टाइल अ बेस्ट स्टाइल। तो डेमोक्रेटिक लीडर वाला जो ग्रुप था उसके स्टूडेंट्स का मोरल बहुत हाई था, बड़े मोटिवेटेड थे। रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप मेंबर्स एंड ग्रुप लीडर्स वर वेरी फ्रेंडली। ग्रुप मेंबर ने खुद इंडिपेंडेंटली, बच्चों ने खुद इंडिपेंडेंटली काम करने की कैपेबिलिटी को शो किया। इवन व्हेन द लीडर वाज नॉट इन द रूम तो मेंबर्स खुद कंट्रीब्यूट कर रहे थे। रीजनेबल अमाउंट ऑफ ओरिजिनैलिटी थी, ओरिजिनैलिटी से क्या बोला जाए, खुद बच्चे काम कर रहे थे, ओरिजिनल काम कर रहे थे। क्वालिटी ऑफ आउटपुट वॉज हायर देन द क्वालिटी प्रोड्यूस्ड बाई अदर ग्रुप्स लाइक अथॉरिटेरियन ग्रुप, लेकिन क्वान्टिटी जो है वो लोअर थी। ऑटोक्रेटिक लीडर जो था इसने चूंकि खुद इंस्ट्रक्शन दे के काम करवाया तो इसके ग्रुप में जो क्वांटिटी थी वो ज्यादा थी, इसके ग्रुप मेंबर्स के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट थी वो ज्यादा थी लेकिन क्वालिटी ऑफ आउटपुट जो वीक थी। तो ये ऑपोजिट था बेसिकली, दैट वाज ऑपोजिट। ऑटोक्रेटिक ग्रुप वाले लीडर वाले ग्रुप के अंदर दो किस्म के बिहेवियर्स पैदा हो गए। जब आप किसी को ऑर्डर देते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, तो एक ग्रुप ऑफ पीपल या कुछ बच्चे एग्रेसिव हो गए, रेबिलियस हो गए, अपनी मर्जी से काम करते रहे, कॉन्स्टेंटली डिमांडिंग अटेंशन एंड ब्लेमिंग अदर्स इफ थिंग्स वेंट रॉन्ग। और कुछ बच्चे जो थे वो एपैथेटिक हो गए। एपैथी का वर्ड हमने ऊपर स्ट्रेस में भी डिस्कस किया था। एपैथी कहते हैं लाताल्लुक हो जाने को, इंटरेस्ट लूज कर देने को। एपैथी का मतलब होता है व्हेन द पीपल स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट इन समथिंग। तो कुछ बच्चे जो है वो एपैथेटिक हो गए, दे डिडंट शो मच इंटरेस्ट। क्वालिटी ऑफ आउटपुट वॉज लेसर देन द क्वालिटी प्रोड्यूस्ड बाई डेमोक्रेटिक लीडर ग्रुप, लेकिन क्वान्टिटी इससे ज्यादा थी। क्योंकि अगेन क्वान्टिटी क्यों ज्यादा थी, बड़ी लॉजिकल रीजन समझ आती है कि चूंकि लीडर जो है वो खुद डायरेक्ट कर रहा था, खुद गाइड कर रहा था, खुद बता रहा था अब ऐसे करो अब ऐसे करो, तो स्पीड ऑफ वर्क ज्यादा होगी ना। तो जब स्पीड ऑफ वर्क ज्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली फिर आउटपुट बढ़ जाती है, लेकिन उस आउटपुट में ओरिजिनैलिटी कम होती है और उसके अंदर क्वालिटी भी कम होती है। जो तीसरा ग्रुप था दैट वाज द वर्स्ट परफॉर्मिंग ग्रुप, लेसेस फेयर वाला जो ग्रुप था, क्योंकि लेसेस फेयर वाला जो लीडर था ही वाज द पर्सन हु शोड लीस्ट इंटरेस्ट इन द पीपल। इसका लीस्ट इंटरेस्ट था लोगों में, बस ठीक है जो मर्जी काम करो जैसे मर्जी काम करो। प्रोडक्टिविटी भी लो थी और क्वालिटी भी लो थी। ग्रुप मेंबर वर नॉट एबल टू वर्क इंडिपेंडेंटली, इसके बरक्स यहाँ के ग्रुप मेंबर इंडिपेंडेंटली काम करने के काबिल थे। ग्रुप मेंबर्स डिड नॉट कोऑपरेट विद ईच अदर, जबकि यहाँ पे जो ग्रुप मेंबर्स थे वो आपस में कोऑपरेट कर रहे थे, फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप कर चुके थे आपस में। सो तो ये साबित हुआ कि जो लेसेस फेयर स्टाइल था दैट वाज द वर्स्ट पॉसिबल स्टाइल टू हैंडल अ ग्रुप। तो लिपिड एंड वाइट ने इस स्टडी से फिर क्या कंक्लूजन ड्रॉ की, इन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक स्टाइल जो है वो बेस्ट स्टाइल है। डेमोक्रेटिक वॉज द बेस्ट स्टाइल विद हाई क्वालिटी आउटपुट एंड रीजनेबल ओरिजिनैलिटी एंड आउटपुट, हाई सेटिस्फेक्शन ऑफ ग्रुप मेंबर्स। डेमोक्रेटिक जो है, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि आप लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट वाला कॉन्सेप्ट, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट वाला कॉन्सेप्ट। डेमोक्रेटिक में क्या होता है ये पढ़ेंगे। दीज आर द थ्री ग्रुप्स, लीडर ऑफर्ड गाइडेंस, एनकरेज द चिल्ड्रन एंड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली विद इन द ग्रुप। तो ये वही कॉन्सेप्ट है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट का, कि आप पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट से लोगों के गोल सेट करते हैं, लोगों को आप इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक,
आप लोगों को इन्वॉल्व करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर. सो दैट इज हाउ पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट वर्क्स. ठीक. सो डेमोक्रेटिक जो लीडर था दैट वॉज पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट वाला इंडिविजुअल. हाउएवर सम ऑफ द बॉयज प्रेफर्ड अथॉरिटेरियन स्टाइल. अच्छा, ये वो बच्चे थे जो थ्योरी एक्स से बिलोंग करते थे. रिमेंबर थ्योरी एक्स वाले चाहते हैं ना कि अगर बताया जाए उन्हें और डंडे के जोर पे काम करवाए गए. सो कुछ लोगों ने, कुछ बच्चों ने अथॉरिटेरियन स्टाइल को प्रेफर किया. इट मीन्स दैट दे वांटेड टू बी टोल्ड व्हाट टू डू. वो चाहते थे कि उन्हें बताया जाए कि वो क्या करें, कैसे करें. तो वो अथॉरिटेरियन स्टाइल को प्रेफर कर रहे थे. ये थी लिबर्ट एंड वाइट की थ्योरी. लिबर्ट एंड वाइट ने स्कूल चिल्ड्रन को स्टडी किया था और स्कूल चिल्ड्रन को स्टडी करते हुए उन्होंने डिटरमिन किया कि बेस्ट पॉसिबल स्टाइल कौन सा हो सकता है लीडर का. बेस्ट पॉसिबल स्टाइल जो है वो आपका क्या होगा. ठीक है. ब्लेक एंड मुटोन दूसरी थ्योरी है. ब्लेक एंड मुटोन मैनेजीरियल ग्रिड. ब्लेक एंड मुटोन क्या कहता है. ब्लेक एंड मुटोन ने लीडरशिप स्टाइल्स को स्टडी किया था. ब्लेक एंड मुटोन ने कहा था कि एक लीडर के स्टाइल में दो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं. लीडर के बिहेवियर में दो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, कंसर्न फॉर टास्क. लीडर कितना कंसर्न है गोल्स के ऊपर, टारगेट्स के ऊपर, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के ऊपर, वर्क एफिशिएंसी के ऊपर. लीडर का कंसर्न फॉर टास्क कितना हाई है और कंसर्न फॉर पीपल. लीडर का कंसर्न फॉर पीपल कितना हाई है, वो कितनी ज्यादा कमिटमेंट्स चाहता है लोगों के साथ, कितने अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप उसके कितने इफेक्टिव हैं, किस हद तक लोग उसको रिस्पेक्ट करते हैं, ट्रस्ट करते हैं. एग्जैक्टली. इफ देयर इज नो कंसर्न फॉर टास्क देन यू आर सॉरी पीपल देन यू आर अ डिक्टेटर. अगर कंसर्न फॉर पीपल आपका जो है वो लो है तो आप एक डिक्टेटर हैं. एग्जैक्टली. ठीक है. कंसर्न फॉर टास्क अगर आपका हाई है और कंसर्न फॉर पीपल है तो आप प्योर अथॉरिटेटिव ऑटोक्रेटिक लीडर हैं, डिक्टेटर हैं. बिल्कुल सही कहा. तो बेसिकली ब्लेक एंड मुटोन ने इन दो डायमेंशंस के ऊपर पांच किस्म के स्टाइल्स को प्रोड्यूस किया था. इन्होंने पांच किस्म के स्टाइल्स को प्रोड्यूस किया था बेस्ड ऑन दीज टू डायमेंशंस. और ये दोनों जो स्टाइल्स हैं ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से. मतलब ये नहीं है कि अगर एक होगा तो दूसरा भी होगा या अगर एक नहीं होगा तो दूसरा नहीं होगा. ये इंडिपेंडेंट है. बोथ ऑफ दीज एलिमेंट्स आर इंडिपेंडेंट. ठीक है. कंसर्न फॉर टास्क. अच्छा, उसने क्या किया था कि उसने इन दोनों डायमेंशंस को एक स्केल पे ग्रिड के ऊपर उसने प्लॉट किया था. ही प्लॉटेड दीज टू कंसर्न्स ऑन अ ग्रिड ऑफ 1 to 9. ये देखें, ये ग्रिड, ये इसने ग्रिड बनाई थी और उसने 1 to 9 के ऊपर उसने इसको प्लॉट किया था. स्कोर ऑफ 1 इंडिकेट्स द लोएस्ट लेवल ऑफ कंसर्न एंड स्कोर ऑफ 9 इंडिकेट्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ कंसर्न. ठीक. एक्स एक्सिस पर रखा था कंसर्न फॉर टास्क को और वाई पर रखा था कंसर्न फॉर पीपल को. ठीक. और उसने नंबरिंग की थी. पेपर में क्वेश्चन ये आया था एग्जामिनर ने ना, ये आपको कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे 1, 1, 9, 1, 5, 5, 9, 9 और कहा गया था कि हर कोऑर्डिनेट पर बताएं कौन सा स्टाइल है, उसे एक्सप्लेन भी करना था. ठीक है. तो ये क्वेश्चन था एग्जाम में कि उसने आपको ये नंबर्स दे दिए थे और नंबर्स दे के कहा था बताएं हर नंबर के अगेंस्ट कौन सा स्टाइल है और उस स्टाइल की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी बतानी है. तो अगर कंसर्न फॉर टास्क लो है और कंसर्न फॉर पीपल भी लो है, इसे कहते हैं इम्पावरिश्ड. 1-1 का मतलब होता है इम्पावरिश्ड. इम्पावरिश्ड स्टाइल होता है. कंसर्न फॉर टास्क तो हाई है 9 पे, लेकिन कंसर्न फॉर पीपल लो है. इसे कहते हैं ऑटोक्रेटिक अथॉरिटेरियन स्टाइल, डिक्टेटरशिप स्टाइल. कंसर्न फॉर पीपल हाई है. कंसर्न फॉर टास्क 1 पे है, इसे कहते हैं कंट्री क्लब. कंट्री क्लब इज प्योर पीपल ओरिएंटेड स्टाइल. कंसर्न फॉर टास्क भी दरमियान में है, कंसर्न फॉर पीपल भी दरमियान में है. आइडियली ये कहीं ये 1, 2, 3, 4 and 5. हाँ, सही जगह पर ड्रॉ है. 5, 5. ये है 5, 5.
ठीक है, इसे कहता है, इसे से नाम दिया था मिडल ऑफ द रोड ऑर्गेनाइजेशन मैन कहते हैं। आइडियली द बेस्ट चाइल्ड ब्लेक एंड मुटोन के मुताबिक जिसमें कंसर्न फॉर टास्क भी हाई है और कंसर्न फॉर पीपल भी हाई है वो है 99। 99 कहते हैं टीम मैनेजमेंट को, टीम प्लेयर को। ये क्वेश्चन था पेपर में कि ये नंबर दिए गए थे और नंबर दे के कहा गया था स्टाइल कौन सा है और उनको ब्रीफली इसकी डिस्क्रिप्शन देनी थी। इंपॉवरिश्ड चाइल्ड जो है दैट इज बेसिकली अ लेसेस फेयर स्टाइल। ना आपका टास्क में कोई कंसर्न है, ना आपका लोगों में कोई कंसर्न है, ना आप काम करवाना चाहते हैं और ना ही आप लोगों का ख्याल रखते हैं। वर्स्ट पॉसिबल स्टाइल, लिटिल एफर्ट टू गेटिंग द वर्क डन एंड अ वेरी लेजी अप्रोच, वर्स्ट टाइप ऑफ लीडर पॉसिबल। जिस तरह लिपिट एंड वाइट ने लेसेस फेयर को वर्स्ट कहा था, ब्लेक एंड मुटोन ने इम्पावरिस्ट को वर्स्ट कहा है। लिपिट एंड वाइट ने उसको वर्स्ट कहा था, तो ब्लेक एंड मुटोन जो है उसने इम्पावरिस्ट को वर्स्ट कहा है। कंट्री क्लब में लो कंसर्न फॉर टास्क बट हाई कंसर्न फॉर पीपल एंड मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप। ये वो लीडर होता है जो काम से ज्यादा लोगों में मशहूर होता है। लोग तो इसकी बड़ी इज्जत करते हैं लेकिन चूंकि ये टास्क फोकस नहीं होता तो सीनियर मैनेजमेंट इसको पसंद नहीं करती। लेकिन स्टिल पीपल लव दिस लीडर बिकॉज ही इज मोर कंसर्न फॉर पीपल एंड लेस कंसर्न फॉर टास्क। इसके बरक्स जो डिक्टेटर स्टाइल होता है, अथॉरिटेरियन स्टाइल होता है, द लीडर कॉन्सेंट्रेट्स ऑन वर्क एफिशिएंसी, गेटिंग द वर्क डन विद लिटिल कंसर्न फॉर पीपल एंड विल सीक टू एलिमिनेट द पीपल एज फार एज पॉसिबल। जहां तक मुमकिन हो सकेगा ये ऑटोमेशन पे जाएगा, ये लोगों को एलिमिनेट करेगा। He will try to move the people from the department. और उसकी कोशिश होगी कि जितना जिस हद तक हो सके मशीनें काम करें, लोग काम ना करें। Middle of the road जो है ये थोड़ा थोड़ा ख्याल रखेगा। Does enough to get the job done? थोड़ा सा काम में तवज्जो होती है। May not be pushing the boundaries. हाँ, boundaries push नहीं करता दोनों की। ना concern for people बहुत high show करता है और ना concern for task बहुत high show करता है। He never pushes the boundaries. He just does the task जितना को required है वो उतना ही काम करता है। इसे कहते हैं middle of the road, organization man कहलाता है। ये बड़ा diplomat इंसान होगा, ठीक है? थोड़ा बहुत काम करा लिया, थोड़ा बहुत लोगों का ख्याल रख लिया। Ideal case scenario में team management style best होता है। High concern for task and high concern for people, ऐसा style पैदा करना बहुत मुश्किल होता है। The most effective type of leader, this is a very interesting statement. तो हम अब आप गौर फरमाएं तो हम चूंकि स्टाइल थ्योरीज पढ़ रहे हैं तो हर थ्योरी एक स्टाइल को बेस्ट कह रही है। बिकॉज वी आर स्टडिंग द स्टाइल थ्योरी सो यू कैन वेरी क्लियरली सी दैट एवरी अभी तक लिपिट एंड वाइट ने कहा कि डेमोक्रेटिक स्टाइल बेस्ट है, ब्लेक एंड मुटोन ने कहा कि टीम मैनेजमेंट स्टाइल जो है वो बेस्ट है, टीम मैनेजमेंट स्टाइल जो है वो बेस्ट है। तो मैनेजर जो है वो डिफरिंग अमाउंट ऑफ कंसर्न फॉर टास्क एंड कंसर्न फॉर पीपल शो करते हैं, तो दे मे बी प्लेस्ड एनीवेयर ऑन द ग्रेड। लेकिन हमने ये देखना कि उनका जो टिल्ट है या जो उनका फोकस है वो किस पर्टिकुलर इन पांचों स्टाइल में से किस स्टाइल की तरफ ज्यादा है, फिर हम उनको उस स्टाइल में काउंट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इट्स नॉट लाइक एक लीडर जो है वो एक इंडिविजुअल वन वन भी होगा। फॉर एग्जांपल, एक लीडर यहाँ भी हो सकता है, 2-1 भी हो सकता है या 3-1 भी हो सकता है, लेकिन जब तक वो 5 से नीचे नीचे है तो हम उसे इम्पावरिश्ड ही कहेंगे। जब तक वो 5 से ऊपर ऊपर है उसे हम अथॉरिटेटिव कहेंगे। लेट्स सपोज एक लीडर जो है वो कहीं यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है हियर, तो इसको हम मिडल ऑफ द रोड कह सकते हैं। तो इस ग्रिड पे लीडर कहीं पे भी ऑपरेट कर सकता है। लीडर कैन ऑपरेट एनीवेयर ऑन द ग्रिड, लीडर कैन ऑपरेट एनीवेयर ऑन द ग्रिड। ठीक, तो हम फिर उसके ऊपर किसी भी लेवल पे हम फिर उस लीडर को कह सकते हैं कि ये जो लीडर है ये इसके ऊपर इस तरह से ऑपरेट कर रहा है। इसी तरह अगर एक लीडर फॉर एग्जाम्पल 7-8 पे है तो इसे हम कह सकते हैं कि ये टीम मैनेजमेंट है, दैट इज हियर ही बिलोंग्स। तो ग्रिड के ऊपर लीडर किसी भी लेवल पे ऑपरेट कर सकता है, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उसे आप किस पर्टिकुलर कैटेगरी में रैंक कर रहे हैं। ब्लेक एंड मुटोन ने आर्ग्यू किया कि मोस्ट इफेक्टिव जो स्टाइल है दैट इज द वन हु शोज हाई कंसर्न फॉर बोथ टास्क एंड द पीपल, इसे हम टीम मैनेजमेंट कहते हैं। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था पेपर में, नंबर्स दिए गए थे, अल्फाबेट्स दिए गए थे और कहा गया था कि बताएं कौन सा स्टाइल बेस्ट होगा लीडर के लिए। ओके, तीसरी जो थ्योरी है ये बड़ी क्विक थ्योरी है, आपने गौर किया होगा ये मोटिवेशन और फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी से थोड़ी आसान है क्योंकि बड़ी हैंडी थ्योरी है, लेंथी नहीं है। 7th चैप्टर की थ्योरी काफी कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी थी, हर थ्योरी के अंदर आगे फर्दर तीन तीन डायमेंशन में डिस्कशन हो रही थी। तो 8th चैप्टर की थ्योरी की ये खूबसूरती है कि ये थ्योरी बड़ी हैंडी है, दे कम वेरी हैंडी,
वेरी क्विक थियरीज, अंडरस्टैंडिंग में भी आसान है, मेमोराइज करने में भी आसान है, इसलिए थियरीज जरा जल्दी कवर हो जाती हैं। जैसे लिपिड एंड वाइट देखें, वेरी क्विक थियरी, जस्ट टेलिंग यू कि तीन स्टाइल्स होते हैं और तीन ग्रुप्स के ऊपर करेक्टरिस्टिक्स बता दिए तीनों लीडर्स के और बेस्ट पॉसिबल स्टाइल इंडिकेट कर दिया। इसी तरह ब्लेक एंड मोटॉन ने दो डायमेंशंस दे दी, ग्रिड ड्रॉ कर दी और ग्रिड ड्रॉ करके उसको एक्सप्लेन कर दिया, दैट्स इट, और बेस्ट स्टाइल बता दिया। सो दीज थियरीज आर रिलेटिवली सिंपल देन द थियरीज फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर और द सेकंड चैप्टर हैं, लेकिन काफी तादाद में, लाइक 9 तो थियरीज हैं और फिर 4 मॉडल्स अलग हैं, फ्रेमवर्क्स अलग हैं, तो 13 है इसका काउंट। फर्स्ट चैप्टर का काउंट था टोटल 11 काउंट था फर्स्ट चैप्टर की थियरीज का। 5 थी क्लासिकल, 5 थी मॉडर्न और एक लिंक कर रही थी उसके अंदर एल्टन बायो की, उसका काउंट 11 था। इसी तरह 7 चैप्टर का जो काउंट था थियरीज का, दैट वाज लाइक 9 थियरीज, तो ये 20 हो गई। इसी तरह इस चैप्टर में 13 है टोटल, तो ये 33 हो गई। तो पूरी किताब में अगर 50 के करीब थियरीज या मॉडल्स या फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं, तो उसमें से आपके सामने 30+ तो 3 चैप्टर्स में ही है। इन 3 चैप्टर्स की थियरीज को प्रिपेयर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने वो एक क्विक सी प्रैक्टिस करवाई थी ना आपको, किसी भी पेपर में अगर हमने थियरीज का इंप्रेशन देखना हो कि कितने परसेंट पेपर आपका थियरीज या मॉडल या फ्रेमवर्क्स में से आता है, देखा था ना, एक हमने ऐसी प्रैक्टिस की थी आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमने एक रैंडम पेपर सेलेक्ट किया था और उसमें हमने डिस्कस किया था कि इस पेपर के अंदर इतने परसेंट पोर्शन जो है वो देखें थियरीज में से आया हो, ये हुई थी हमारी प्रैक्टिस और नॉट की थी हमने, हाँ मुझे याद पड़ता है हमने मेरी प्रैक्टिस की थी एग्जैक्टली। तो 70%+ पेपर कम अज कम आपका थियरीज फ्रेमवर्क मॉडल, और 8 चैप्टर में से कम अज कम 2 थियरी, एक तो मस्ट है ना, एक तो लाजमी आनी है, 2 भी आ सकती हैं। जैसे अभी रिसेंटली 2 आई थी, एक तो वो अडेयर का एक्शन सेंटर्ड मॉडल आया था मेरा ख्याल, और एक और थी अभी जो उसके पास ऊपर जाकर देखी। ओके, टेनेनबॉम एंड श्मिट, टेनेनबॉम एंड श्मिट ने लीडरशिप कॉन्टिन्यूम ड्रॉ किया था डिफरेंट स्टाइल्स को एक्सप्लेन करने के लिए। दे डिड नॉट आर्ग्यू दैट वन स्टाइल वॉज द बेस्ट, बट दे इवन डिड नॉट आर्ग्यू कि कोई स्टाइल वर्स्ट भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इंप्रेशन मिल जाता है। इन्होंने ये कहा था कि जो लीडर होता है वो एक स्केल के ऊपर डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स में फ्लो करता है। yes, you can see that. Tannenbaum means the Christmas tree. Yes. So, the leader का जो style होता है, वो एक scale पे, continuum पे flow करता है। Continuum कहते हैं scale को। एक end पे हम रखते हैं authoritarian या autocratic style, और एक end पे हम रखते हैं delegation, democratic style। इनको हम नाम देते हैं use of authority and area of subordinate freedom। एक तरफ authority है, और ये देखें डायगोनल से डिवाइड करती है। फॉर एग्जांपल अगर एक लीडर इस एरिया में ऑपरेट कर रहा होगा तो यूज ऑफ अथॉरिटी मैक्सिमम है, अगर एक लीडर इस एरिया में ऑपरेट कर रहा होगा तो अथॉरिटी कम होगी, थोड़ा सा सबऑर्डिनेट का फ्रीडम भी आ गया। अगर लीडर कहीं इस एरिया में ऑपरेट कर रहा होगा तो अथॉरिटी और कम होगी, फ्रीडम बढ़ गया। लाइक एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आप गौर फरमाएं कि आप इस कंटिन्यूम पे, इस डब्बे में जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो अथॉरिटी कम होती जा रही है और सबऑर्डिनेट फ्रीडम बढ़ता जा रहा है। As we are moving from left to right, the area of authority आपकी कम होती जा रही है और आपका जो subordinate freedom का जो area है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इस कंटिन्यूम को इन्होंने कैसे डिटरमिन किया था, इन्होंने कहा था कि एक लीडर जब स्टार्ट करता है लीडरशिप, नॉर्मली व्हेन अ लीडर स्टार्ट्स लीडिंग अ टीम, तो वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे होता है। द लीडर स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट, देन एज द टाइम पासेस लीडर मूव्स फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट टू एक्सट्रीम राइट। लीडर जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट के ऊपर मूव करता है, ठीक है। सो लीडर फॉर एग्जांपल
जब किसी भी सिचुएशन में ऑपरेट कर रहा होता है, व्हेन लीडर इज ऑपरेटिंग इन एनी सिचुएशन, तो वो एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट करता है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सट्रीम राइट पे मूव करता है। फॉर एग्जांपल बीइंग, मुझे अगर एक नई टीम असाइन की गई है तो शुरू शुरू में मैं बहुत सख्त होगा, आई विल बी एन ऑटोक्रेटिक लीडर। आहिस्ता आहिस्ता जब टीम मेरा ट्रस्ट गेन करेगी, जब टीम मेरे साथ चलेगी, व्हेन द टीम विल अंडरस्टैंड मी, जब मैं टीम को समझूंगा, जब मैं टीम के साथ एक लेवल ऑफ रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करूंगा, फर्स्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और आहिस्ता आहिस्ता मैं उनको फ्रीडम दूंगा, तो मैं अपनी अथॉरिटी कम करता जाऊंगा और मैं एरिया ऑफ सबॉर्डिनेट फ्रीडम को बढ़ाता जाऊंगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेनबाम एंड श्मिट। टेनबाम ने कहा था कि देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन यूज ऑफ अथॉरिटी एंड एरिया ऑफ सबॉर्डिनेट फ्रीडम एंड ऑन अ कंटिन्यूम। ठीक है, दिस बैलेंस कैन रेंज फ्रॉम स्ट्रिक्ट ऑटोक्रेटिक स्टाइल यहाँ पे to one end of the spectrum, delegating virtually all decision-making responsibilities to the subordinates over here. तो आप इन दोनों extremes के दरमियान कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना? So every leadership style will be varying between the use of authority and giving freedom to subordinates. लेकिन अगेन Tenenbaum और Schmidt ने ये नहीं कहा था कि ये situation पे depend करता है कि leader कौन सा style use करेगा। ये आया था concept contingency theories के अंदर। इन्होंने सिर्फ कंटिन्यूम बना के दे दिया था, बट दे डिडंट टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। दे ओनली ऑफर्ड अ कंटिन्यूम बट दे डिड नॉट टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। ये उसे अगले लेवल पे नहीं लेके गए थे, इन्होंने सिर्फ कंटिन्यूम बना के दे दिया था और ये कहा था कि एक लीडर जो होता है उसका जो स्टाइल है दैट इज जस्ट रेंजिंग बिटवीन दीज टू कंटिन्यूम, बट दे नेवर सेड और दे नेवर एक्सप्लेन्ड कि कौन सा स्टाइल कब चूज करना चाहिए। ये कौन सा स्टाइल कब चूज करना चाहिए वाली जो डिबेट थी, ये डिबेट की थी कंटिजेंसी थ्योरी से, ठीक है? इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट इवन दो लीडर डेलीगेट्स द अथॉरिटी, ही मस्ट ऑलवेज रिटेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिसीजंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ इट्स सबॉर्डिनेट्स। लीडर नो डाउट अथॉरिटी डेलीगेट कर देता है, लेकिन जिम्मेदारी फिर भी लीडर की होती है। लीडर खुद जिम्मेदारी उठाता है अपने सबॉर्डिनेट्स के एक्शंस की और उनकी परफॉर्मेंस की। The task of the leader is to develop the individual members of the team and team as a unit. He should therefore delegate the authority and ask the team to make decision according to the level of their ability and their maturity. Over the time, a leader's style should move from left of the continuum to right of the continuum. That's a very interesting statement. वक्त के साथ साथ एक लीडर जो है वो अथॉरिटेटिव से डेमोक्रेटिक की तरफ मूव करता है, यूज ऑफ अथॉरिटी को रिड्यूस कर देता है और एरिया ऑफ सबॉर्डिनेट फ्रीडम को इंक्रीज कर देता है। तो लीडर मूव फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट टू एक्सट्रीम राइट। लीडर जो होता है वो एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट की तरफ मूव करता है, ठीक? ही मूव्स फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट टू एक्सट्रीम राइट। तो ये इस स्केल के ऊपर टेनबाम एंड श्मिट ने किस किस्म के स्टाइल्स को डिस्क्राइब किया था, व्हाट टाइप ऑफ स्टाइल्स वर डिस्क्राइब्ड बाय टेनबाम एंड श्मिट, हम वो डिस्कस करेंगे, जो कि सात हैं टोटल। अभी बड़े मजे के स्टाइल्स हैं और इनको बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली अंडरस्टैंड भी करना है, समझना भी है, साथ साथ हम कंटिन्यूम रखेंगे। ओके फाइन, लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट हियर। यहाँ पे देखते use of authority is maximum, area of subordinate freedom is nil, na hone ke barabar, ise kehte hain tell. Manager or the leader takes the decision and announces the decision to the team. Tell style kya hota hai, khud faisla karna hai aur khud announce kar dena hai faisla, baghair kisi ko kisi ki raaye liye, baghair kisi ko bataye ki ye faisla kyun kiya ja raha hai. Telling ek hoti hai, tells and sells. Tells and sells mein kya hota hai, leader takes the decision but then sells the decision to the group. Sell करता है। Sell कैसे करता है? उन्हें reasoning देता है कि उसने ये decision क्यों लिया है और इसमें benefits क्या हैं आपके लिए। अब यहाँ पे आ गया leader. Here he is. यहाँ पे। अभी भी authority maximum है, लेकिन थोड़ा सा area of subordinate freedom incorporate कर दिया है और अब यहाँ पे selling कर रहा है। यहाँ पे वो selling कर रहा है। यहाँ पे decision लेने के बाद selling कर रहा है। आगे चलें। और राइट को मूव करते हैं। टेल्स एंड टॉक्स। मैनेजर या लीडर ने डिसीजन लिया, अनाउंस किया, बैकग्राउंड आइडिया बताया कि डिसीजन क्यों लिया है, एंड देन इनवाइट्स क्वेश्चन। अब एक स्टेज आगे आ गया, एंड देन इनवाइट्स क्वेश्चन। अब उनसे क्वेश्चन भी इनवाइट कर रहा है, उनसे पूछ भी रहा है कि आपकी कोई एम्बिग्युटी तो नहीं है, आपकी कोई क्लैरिटी तो नहीं चाहिए आपको।
अब क्वेश्चन इनवाइट करने का मतलब है कि उसने एरिया ऑफ सबऑर्डिनेट फ्रीडम थोड़ा सा और इंप्रूव कर दिया, अब यहाँ पे आ गया ये। नाउ दिस इज टेल एंड टॉक्स, अभी भी अथॉरिटी मैक्सिमम है लेकिन सबऑर्डिनेट्स को थोड़ी सी लिबर्टी मिल गई है कि एटलीस्ट नाउ दे कैन क्वेश्चन, एटलीस्ट नाउ दे कैन आस्क कि ये डिसीजन आपने जो लिया है ये क्यों लिया है, व्हाट्स गुड फॉर अस इन इट, इसमें हमारे लिए क्या बेहतरी है। ठीक है, तो इससे थोड़ी सी मोटिवेशन बढ़ जाती है। ठीक है, इससे थोड़ी सी मोटिवेशन, तो वो इशू को समझ लेते हैं, दे आर इन्वॉल्व्ड इन द इंप्लिकेशंस ऑफ द डिसीजन, उन्हें पता होता है कि डिसीजन क्यों लिया गया। अभी तक तीनों केसेस में देखें, तीनों केसेस में क्या हो रहा है, एक चीज कॉमन है, टेक्स द डिसीजन, टेक्स द डिसीजन, टेक्स द डिसीजन, ये तीनों में कॉमन। ठीक है, द लीडर टेक्स द डिसीजन। अगर देखें कंसल्ट्स में क्या हो रहा है, कंसल्ट्स में क्या हो रहा है, लीडर अनाउंसेस अ प्रोविजनल डिसीजन, लीडर अब प्रोविजनल डिसीजन अनाउंस कर रहा है, डिसीजन लिया नहीं है, नाउ ही हैज नॉट टेकन द डिसीजन, ही हैज अनाउंस्ड अ प्रोविजनल डिसीजन। इनवाइट्स द ग्रुप मेंबर्स टू डिस्कस इट एंड देन व्यू पॉइंट कंसिडरेशन में लेके फिर हो सकता है कि अपना डिसीजन चेंज कर दे। पहले तीन केसेस में डिसीजन ले लिया है, चेंज नहीं हो सकता, सिर्फ वो उन्होंने एक्सप्लेन करना है कि उसने ये डिसीजन क्यों लिया है। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट वर्क्स, दैट इज हाउ इट वर्क्स, कि एक लीडर जो है आपका उसने प्रोविजनल डिसीजन लिया, ग्रुप मेंबर्स से डिस्कशन को इनवाइट किया एंड देन इफ ही बिलीव्स कि ग्रुप मेंबर्स अच्छी इनपुट दे सकते हैं स्टिल वो अपना डिसीजन चेंज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे कंसल्ट्स में फिर लीडर कहाँ पे आ गया, लीडर अब यहाँ पे आ गया, हियर ही इज, यहाँ पे आ गया, कहीं सेंटर में आ गया, ये नंबर फोर है, अथॉरिटी और फ्रीडम बैलेंस हो गया, प्रोविजनल डिसीजन ले रहा है, और इसके बाद जो पांचवा स्टाइल है अब उसमें अथॉरिटी कम हो गई है और फ्रीडम ज्यादा हो गया, पांचवे स्टाइल में अथॉरिटी कम हो गई है, फ्रीडम जो है वो ज्यादा हो गया, यहाँ पे हो गया। अब देखें कंसल्ट में और इन्वॉल्व में क्या फर्क है, अनाउंसेस अ प्रोविजनल डिसीजन, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट्स अ प्रॉब्लम टू द टीम, टीम को प्रॉब्लम दे रहा है और कुछ ऑप्शन सजेस्ट कर रहा है, डिसीजन नहीं ले रहा, ऑप्शन बता रहा है, फिर लोगों की सजेशन इन्वाइट कर रहा है, ही देन डिसाइड, डिसीजन अभी भी इसके हाथ में, लेकिन यहाँ पे डिसीजन प्रोविजनल डिसीजन लेने के बाद राय ले रहा है, यहाँ पे राय लेने के बाद डिसीजन ले रहा है। This is the key difference between consults and involves. ये difference बड़ा important है, याद रखिएगा। Consults के अंदर पहले decision ले रहा है, पहले mind makeup कर रहा है, but provisional. Provisional means कभी उसने पुख्ता decision नहीं लिया। उसके बाद राय ले रहा है, chances are there कि वो उनकी suggestions की बेस पे अपना decision change कर ले। If he believes that suggestions are worthy enough. Involved में क्या हो रहा है? पहले suggestions ले रहा है और फिर decision final कर रहा है। So team members are very closely involved in the decision making process. लेकिन ये style सिर्फ तब appropriate है जब team members आपके knowledgeable हैं, experienced हैं and they have some better input to give. अगर team members ही आपके नैले हैं, knowledgeable नहीं हैं, उनको कुछ पता नहीं है, तो फिर it's not a good way to lead. अच्छा, और आगे आ जाए, और आगे देखें, अब यहाँ पे आ गया delegate. Now see, this is the sixth style. अब authority और कम कर दी और फ्रीडम को और बढ़ा दिया। नाउ यू कैन सी कि अथॉरिटी हैज नाउ बीन रिड्यूस्ड मोर एंड फ्रीडम इज नाउ बीइंग गिवन मोर। तो अब क्या कर रहा है, डेलीगेट कर रहा है, अब डेलीगेट कर रहा है। मैनेजर अब क्या कर रहा है, सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहा है, पैरामीटर्स डिफाइन कर रहा है और अलाउइंग द टीम टू डिसाइड, दिस इज द की लाइन। अब टीम खुद डिसाइड कर रही है, सो मैनेजर देयरफॉर डेलीगेट द डिसीजन मेकिंग एंटायरली विद इन द स्टेटेड लिमिट्स। ये जो थोड़ी सी अथॉरिटी अपने पास रख रहा है ये उसकी स्टेटेड लिमिट्स है, इन लिमिट से बाहर नहीं जाना, बाकी जो मर्जी। ठीक है, दिस लीडरशिप स्टाइल रिक्वायर्स अ मैच्योर टीम, यहाँ पे मैच्योर टीम चाहिए। और सबसे पैथेटिक स्टाइल है एब्डिकेट, एब्डिकेट लेस इज फेयर ही है तकरीबन। एब्डिकेट में क्या किया, सब कुछ टीम को दे दिया, यहाँ पे आ गया द लास्ट एक्सट्रीम, यहाँ पे आ गया अपनी अथॉरिटी निल कर दी और सारा का सारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस टीम को दे दिया, इसे एब्डिकेट कहते हैं। एब्डिकेट इज नॉट अ गुड स्टाइल, टीम खुद ही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करे
खुद ही ऑप्शंस बनाए, खुद ही डिसीजन ले, खुद ही इंप्लीमेंट करे, ठीक है, सब कुछ उनको दे दिया विद इन द स्टेटेड लिमिट्स ऑफ हिज ओन अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी को लिमिटाइज कर दिया, अपनी जो अथॉरिटी उसे महदूद कर दिया, इसे कहते हैं एब्डिकेट करना। तो when you reduce your own authority, when you squeeze your own authority, तो आप फिर एब्डिकेट करते हैं, आप फिर क्या करते हैं, एब्डिकेट करते हैं, ठीक। So that is how it works, that is how it practically works. So आप गौर फरमाएं कि कितना interestingly हम एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट की तरफ मूव कर रहे हैं और एरिया ऑफ अथॉरिटी कम होता जा रहा है, एरिया ऑफ फ्रीडम बढ़ता जा रहा है। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी टू अंडरस्टैंड एंड इट एक्चुअली वर्क्स इन अ वेरी प्रैक्टिकल एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग वे इन ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत इफेक्टिवली और बहुत इंटरेस्टिंगली ये थ्योरी जो है वो काम करती है, ठीक। So, एक और दफा देख लें, tell takes the decision, announces the decision, ये keywords हैं, takes the decision, sells the decision, reasons of the decision explain करता है, tells and talks, takes the decision, announces the decision, invites question, ये keywords, consult, announces a provisional decision, invites group member to discuss, can consider the views of the team member and may change the decision, involve, presents the problem, suggests some options, invites the suggestion and then he takes the decision, delegates, explains the situation, defines the parameters and then asks them to decide within the stated limits and then abdicate, khud hi problem dhoondo, khud hi solution nikalo, khud hi options banao, khud hi decide karo, khud hi jo marzi karo, mere paas koi na hai, less is fair step, less is fair step. Clear? Got it? Any question? इन तीनों थ्योरीज में कोई सवाल? वैसे मेरा टारगेट था दो थ्योरीज करेंगे, चलो तीन हो गई, बट आसान थ्योरीज है इंशाल्लाह, इतनी कोई चैलेंजिंग नहीं है। हमने सेवन चैप्टर के टेस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, अगले हफ्ते आपके सेवन चैप्टर के दो टेस्ट हैं, नोट कर लीजिए प्लीज। सेवन चैप्टर को हम दो हिस्सों में टेस्ट करेंगे, पहला हिस्सा जो है सेवन चैप्टर का वो है आपका स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 7 चैप्टर के दो टेस्ट हैं, पहला टेस्ट जो है वो पेज नंबर 153 से स्टार्ट हो रहा है, ये थ्योरीज द क्लासिकल थ्योरीज कंटेंट एंड प्रोसेस थ्योरी से और रिवॉर्ड सिस्टम एंड मोटिवेशन तक, रिवॉर्ड सिस्टम इंक्लूडेड, पेज नंबर 164 तक, ठीक है। ये 7 चैप्टर का पहला टेस्ट है, ये होगा इंशाल्लाह ट्यूसडे को अपलोड हो जाएगा, ओके। और सेवन चैप्टर का क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स ने कहा था रेगुलर क्लास के कि लंबा चैप्टर है दो पार्ट्स में कर दें, तो फिर आई थॉट कि फिर वो जो इम्प्लीकेशंस और जो कंसर्न्स रेगुलर स्टूडेंट्स के हैं क्लास के, वो डेफिनेटली ऑनलाइन वालों के भी होंगे, तो फिर आपके लिए भी सेम मोड है इसका। जो दूसरा टेस्ट है वो मॉडर्न थेरीज पे है, 5 थेरीज के ऊपर है, गोल सेटिंग, MBO, सर्टिफिकेसी, और ये होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे आज के दिन, ठीक है। ये लॉक कर लें डेट्स इन दोनों टेस्ट, पहला टेस्ट आपका होगा 8 तारीख को और दूसरा होगा इंशाल्लाह 11 को, ठीक है। इन द मीन टाइम वी विल बी डन विद द 8th चैप्टर एज वेल, तो उससे अगले हफ्ते में हम इंशाल्लाह फिर 8th चैप्टर को करेंगे। Got it? Clear? कोई concern, कोई query? WhatsApp group के का usage आजकल काफी कम हुआ है, I don't know. पहले questions आते थे, या तो आप लोग पढ़ नहीं रहे या questions नहीं है आपके पास करने को, just come up with the question. I like when you interact, when you ask questions. अच्छा लगता है, questioning किया करें please. क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके बड़े इफेक्टिव होते हैं,
और किसी एक के क्वेश्चन करने से बाकी लोग सीखते हैं बहुत कुछ, ठीक है ना। सो इफ समवन आस्क द क्वेश्चन तो अदर लर्न अलॉट। क्लियर चल, सी यू टुमारो इंशाल्लाह, कल मिलते हैं। कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे रेंसिस लाइकर्ट को और एशरेज को, ठीक है। तो कल हम स्टाइल थेरीज पढ़ लेंगे, ठीक है। ओके जी, सी यू देन, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।